This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. ये चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। इस चैनल द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री केवल शैक्षिकी उद्देश्य के लिए है। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे किसी ब्लूटूथ डिवाइस या वायरलेस नेटवर्क की SSID या BSSID यानी डिवाइस की मैक एड्रेसेस की एग्जैक्ट जियो लोकेशन कैसे पता लगाई जा सकती है, और इसके लिए कोई हैकिंग या ISP से कॉन्टेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है। ये फ्री में ही अवेलेबल है। इंटरनेट पर लाखों करोड़ों की संख्या में वायरलेस डिवाइस की SSID, मैक एड्रेस, उनका एन्क्रिप्शन टाइप जैसी इंफॉर्मेशन, उनकी GPS कोऑर्डिनेट्स के साथ अवेलेबल है, और ये आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। इस सर्विस का नाम है बीकर, यानी वायरलेस जियोग्राफिक लॉगिंग इंजन। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि ये क्या है और ये सर्विस कैसे काम करती है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये वेबसाइट अलग अलग तरह की वर्ल्ड में मौजूद ब्लूटूथ डिवाइस, सेल टावर, वायरलेस हॉटस्पॉट की इंफॉर्मेशन का लॉग अपने पास रखती है, जैसे कि उनकी SSID, मैक एड्रेस, उनका एन्क्रिप्शन टाइप, GPS कोऑर्डिनेट्स, जो कि आपको पूरे मैप के साथ यहाँ पर दिख जाएंगे। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पर कितने मिलियंस वाईफाई नेटवर्क का डेटा मौजूद है। यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क के अलावा ब्लूटूथ डिवाइसेस और सेल टावर की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। आप इनके नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली का स्टैटिस्टिक्स भी दिख रहा है कि आज कितने नेटवर्क इस वेबसाइट पर ऐड हुए हैं। तो इसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है, क्या ये इन्फॉर्मेशन रियल है? तो उसका एक काम वॉलंटियर करते हैं, जिसको यहाँ पे स्टम्बलर्स बोला जाता है। ये लोग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आप इनके नंबर यहाँ पर देख सकते हैं। ये जगह जगह से वॉर ड्राइविंग करके इस डेटा को साइट तक पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम इस साइट का यूज कैसे कर सकते हैं और यहाँ से वाईफाई नेटवर्क के डेटा को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वेबसाइट को अपने ब्राउजर पर ओपन कर लीजिए। इस वेबसाइट का डोमेन है vigal.net। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट के स्टेटिस्टिक्स चेक कर लेते हैं, यहाँ पर किस तरह का डेटा मौजूद है, ये डेटा कहाँ से आया, कौन कौन सी डिवाइस से आया और कौन कौन सी कंट्री का डेटा यहाँ पर मौजूद है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए, ये पेज यहाँ पर ओपन हो चुका है। आप यहाँ से इसके स्टेटिस्टिक्स देख सकते हैं। आप यहाँ से जान सकते हैं कि इसके डेटाबेस में कितने यूनिक वायरलेस डिवाइस मौजूद हैं, कितनी लोकेशंस इसके डेटाबेस में मौजूद हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस उनके लोकेशन, सेल टावर्स उनकी लोकेशन, टर्मलेस, कितने रजिस्टर्ड यूजर्स हैं जो कि इस डेटा को यहाँ तक पहुँचाते हैं, आज कितना डेटा अपलोड हुआ, कल कितना हुआ, वो सारे नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर जान सकते हैं कि यहाँ पर जो वाईफाई नेटवर्क है वहाँ पर किस टाइप का एन्क्रिप्शन ज्यादा यूज हो रहा है, वो पूरा ग्राफ के रूप में यहाँ पर दे रखा है। इसके साथ आप यहाँ से जान सकते हैं वाईफाई नेटवर्क ओवर टाइम, कि पहले कितने वाईफाई का यूज होता था और अभी कितने वाईफाई नेटवर्क इंक्रीज हुए हैं, वो ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर वाईफाई एन्क्रिप्शन ओवर टाइम भी देख सकते हैं, कि पहले कौन सा एन्क्रिप्शन ज्यादा यूज में होता था और अभी कौन सा हो रहा है, वो आपको टाइम के हिसाब से पूरा मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको नीचे यूजर की लिस्ट मिल जाएगी कि यहाँ पर कौन कौन से यूजर रजिस्टर्ड हैं और कौन से यूजर ने कितना डेटा अपलोड किया है। यहाँ पर गुमनाम यूजर्स ने भी डेटा अपलोड किया है, पहली बार कब सेंड किया, लेटेस्ट कब किया, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपने कितना डेटा अपलोड किया है, तो आप पर्सनल टैब पर जाकर ये इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो इसके लिए पहले आपको लॉगिन करना होगा। अगर आपने यहाँ पर कोई भी डेटा अपलोड किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कोई भी डेटा अपलोड नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पर सब कुछ जीरो आ रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि डेटा कौन कौन से एंड्रॉइड डिवाइस से अपलोड हुआ है, तो उनकी टेबल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर अलग अलग टेबल्स दे रखे हैं। ये ब्रांड की टेबल है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से एंड्रॉइड के ब्रांड का यूज हुआ है और यहाँ से कितना यूनिट डेटा अपलोड किया गया है। ये टेबल्स आपको मॉडल, डिवाइस और एंड्रॉइड के वजन के हिसाब से भी मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे जानना चाहते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सी SSID यूज होती है, कौन सी वायरलेस नेटवर्क कंपनी के डिवाइस का कितना डेटा यहाँ पर मौजूद है, वो टेबल के रूप में मिल जाएगा। ये देखिए, ये SSID की टेबल है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी SSID यूज होती है और ये मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल है। आप यहाँ से जान पाएंगे कि यहाँ पर कौन सी कंपनी की डिवाइस के कितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं,
तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप यहाँ से जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री में कितने यूनिक वाईफाई नेटवर्क की डिटेल्स अवेलेबल है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ये देखिए, ये सारी कंट्रीज की डिटेल्स हैं और कौन सी कंट्री के अंदर कितने यूनिक वाईफाई नेटवर्क्स हैं उनके नंबर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम यहाँ पर अपना इंडिया का चेक कर लेते हैं और ये देखिए, इंडिया की भी यहाँ पर काफी सारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अगर आप उसकी डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके इसको डिटेल में ओपन कर सकते हैं। तो आप इसको स्टेट वाइज और पोस्टल कोड वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये सारे स्टेट्स की डिटेल्स हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स से कितना डेटा अपलोड किया गया है। यहाँ पर पोस्टल कोड भी दे रखा है। आप पोस्टल कोड से भी देख सकते हैं कि कौन से पोस्टल कोड का कितना डेटा इसके डेटाबेस के अंदर मौजूद है। वो सारे नंबर यहाँ पे दे रखे हैं। ये काफी काम की इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ से काफी कुछ जान सकते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये इसका मैप व्यू है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का मैप दिखाई देगा। आप इस मैप को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं या इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैप के अंदर आपको कलर्स दिख रहे हैं वो नेटवर्क्स की डिटेल है। यहाँ पर कितने नेटवर्क्स मौजूद हैं, जब आप इनको जूम करेंगे तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर इंटरनेट थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए तभी यहाँ पर ये साइट सही से वर्क करेगी। आप यहाँ से किसी भी लोकेशन का डेटा देख सकते हैं। अगर आप अपने आसपास की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप इसको अपने लोकेशन पर ले जाकर देख सकते हैं। वैसे जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो ये लोकेशन परमिशन मांगेगा। अगर आप इसको अलाउ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही आपके लोकेशन पर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अभी इसको ऑफ किया हुआ है, या आप यहाँ पर मैन्युअली भी जा सकते हैं। आप जिस भी लोकेशन का डेटा यहाँ पर सर्च करना चाहते हैं वो लोकेशन आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। आप यहाँ पर कोई एड्रेस या सिटी का नाम भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने नोएडा टाइप किया तो ये ऑटोमेटिक ही नोएडा पर मूव हो जाएगा और मैप के अंदर यहाँ पर नोएडा आ चुका है। आपको यहाँ पर ये जो ब्लू पॉइंट्स दिख रहे हैं ये नेटवर्क की डिटेल है कि यहाँ पर कौन सी जगह पर कौन सा नेटवर्क मौजूद है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रखी है। आप इसको जूम करके चेक कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे उनकी SSID और BSSID दिख जाएगी। ये देखिए, यहाँ पर नेटवर्क्स की SSID और BSSID दे रखी है। तो आप यहाँ से जान पाएंगे कि आपके आसपास के इलाके में कितने वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल है। आप इस डेटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पर कोई पर्टिकुलर SSID को सर्च करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर फिल्टर के और भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर डेट रेंज को फिल्टर कर सकते हैं या उसकी BSSID टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर फ्री नेट या कमर्शियल नेट को भी सर्च कर सकते हैं। आपने जो डेटा अपलोड किया है आप केवल वही डिस्कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है और अदर्स के लिए भी दे रखा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर केवल वही रिकॉर्ड फिल्टर करना चाहते हैं जो कि दूसरों के द्वारा अपलोड किया गया है तो उन सब के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। बाकी कलरिंग और व्यूज के ऑप्शन हैं, इसको आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसा भी व्यू देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर लीजिए और उसके बाद क्लिक कर दीजिए फिल्टर पर। तो आपने यहाँ पर जो SSID दी है तो आपको मैप पर केवल वही SSID दिखाई देगी। यहाँ पर ये रिजल्ट फिल्टर हो जाएगा। ये देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट यहाँ पर फिल्टर हो चुका है। अभी यहाँ पर काफी कम नेटवर्क दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक पर्टिकुलर SSID को सर्च किया है। अभी यहाँ पर ये केवल BSNL PSID को ही सर्च करेगा और यहाँ पर भी ये ID मिलेगी। मैप पर केवल वो ही दिखाई देगा। आप इनको जूम करके इसके SSID PSSID और एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। तो आप इस तरह से अपने आसपास के वाईफाई को सर्च कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल ट्रिक्स हैं वाईफाई के लोकेशन को फाइंड करने के लिए, जिसका भी काफी यूज लिया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप जानना चाहते हैं कि आपके आसपास फ्री नेटवर्क कौन से हैं, यहाँ पर कोई भी एनक्रिप्शन का यूज नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पर फ्री नेट को टिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर डेट रेंज में भी फिल्टर लगा सकते हैं ताकि हमें यहाँ पर लेटेस्ट दिखाई दे। ये देखिए, यहाँ पर ये रिजल्ट फिल्टर हो चुका है। यहाँ पर एक भी फ्री नेट नहीं है। तो आप यहां से जान पाएंगे कि आपके आसपास के इलाके में कौन सा फ्री का नेट अवेलेबल है जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यहां पे खुद से वो ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ये इन्फॉर्मेशन यहां से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपको किसी नेटवर्क की BSSID मालूम है तो आप इसका यहां पे मैक एड्रेस डालकर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा सकते हैं। तो यहां से वाईफाई नेटवर्क के बारे में काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है।
जो कि आपके काफी काम आ सकती है। अभी मैं आपको इसके और एडवांस ऑप्शंस बता देता हूँ कि आप इसका किस तरह से बेहतर यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मैप सर्च के अलावा बेसिक सर्च और एडवांस सर्च का ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको काफी डिटेल में जानकारी मिलेगी। बेसिक सर्च में जाकर आप वाईफाई नेटवर्क, सेल टावर्स और ब्लूटूथ डिवाइसेस को भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर एक बेसिक सर्च ओपन हो चुका है, तो आप यहाँ से वाईफाई नेटवर्क, सेल टावर्स, ब्लूटूथ डिवाइस को भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर इसके साथ साथ मैप भी दिखाई दे रहा है, तो अभी मैं इस मैप को अपने इंडिया पर सेट कर लेता हूँ। ये इंडिया का मैप आ चुका है। ये देखिए, आप यहाँ से जान सकते हैं कि इंडिया के अंदर कितने ब्लूटूथ डिवाइस के डेटा अवेलेबल है। ये सारे ब्लूटूथ नेटवर्क हैं जिनकी डिटेल यहाँ पर दे रखी है। आप इनको जूम करके इनकी डिटेल में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि ये कौन सी लोकेशन पर है। आप यहाँ से सेल टावर्स भी सर्च कर सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा सेल टावर्स का जाल है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सी सिटी के अंदर कितने टावर्स लगे हुए हैं। अगर आपको टावर की आईडी मालूम है तो आप उस आईडी के द्वारा भी सर्च कर सकते हैं, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि ये सेल टावर कौन सी लोकेशन पर मौजूद है। तो बेसिक सर्च के अंदर भी आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं वाईफाई नेटवर्क्स, सेल टावर्स और ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पर एडवांस सर्च भी मिल जाएगा, जो कि काफी पावरफुल और काफी फास्ट भी है। यहाँ से आप किसी वाईफाई नेटवर्क को तेजी से सर्च कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पर मैं पूरे इंडिया के वाईफाई नेटवर्क को सर्च करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना कंट्री कोड डाल दिया। इसके साथ ही आप यहाँ पर एवरेज लोकेशन कोऑर्डिनेट सर्च कर सकते हैं, उनके लेटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की आपको किस एरिया के नेटवर्क सर्च करने हैं। आप उनके SSID, BSSID के द्वारा भी इसको सर्च कर सकते हैं, या इंक्रिप्शन के हिसाब से भी इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप एक नाम से किसी नेटवर्क को सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस नेटवर्क का नाम डाल सकते हैं जो भी आप नेटवर्क को सर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये सर्च करेगा कि इंडिया में इस नाम से कितने सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर नीचे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से उसकी SSID भी जान सकते हैं कि उसकी SSID क्या है, BSSID क्या है, इसकी लोकेशन क्या है, ये लास्ट में कब दिखा था, यहाँ पर कौन सा इंक्रिप्शन यूज हो रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगी। अगर आप इसको इंडिया के अंदर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सिटी का नाम भी डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये चेक करेगा इसी सिटी में उसके नाम से कितने सारे वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल हैं। आपको यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। तो आप इस तरह से यहाँ पर नेटवर्क को सर्च कर सकते हैं, और अगर आपको इसका मैक एड्रेस मालूम है, तो आप इसकी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन यानी सटीक जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर एडवांस्ड सर्च का यूज कर सकते हैं, और काफी डिटेल में और काफी तेजी के साथ आप ये रिजल्ट प्राप्त यानी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था पूरा गूगल का ट्यूटोरियल। मैंने आपको इसके बारे में काफी हद तक बता दिया है, तो आप अपने वाईफाई नेटवर्क को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मैं आपको अगले वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड।